जयपुर से चिकित्सकों का एक दल साइकिल से अयोध्या के लिए हुआ रवाना। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने विधानसभा से दल को दिखाई हरी झंडी। विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को कैबिनेट मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और विधायक हंसराज पटेल ने किया सम्मानित। धौलपुर में उपखंड अधिकारी भारती भारद्वाज ने किया विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर का शुभारंभ। पात्र लोगों को किया गया लाभान्वित। बालोतरा में जिला कलेक्टर सुशील कुमार यादव ने किया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण। चिकित्सा व्यवस्थाएं सुधारने के दिए आवश्यक निर्देश। बालोतरा में अधिकारियों ने किया छात्रावासों का सघन निरीक्षण। भोजन और अल्पाहार सहित सफाई व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए दिए कई दिशा निर्देश। प्रमुख शासन सचिव टी रविकांत ने जयपुर शहर की सफाई व्यवस्था का लिया जायजा। विभिन्न स्थानों का निरीक्षण कर निगम अधिकारियों को दिए निर्देश। प्रतापगढ़ जिला कलेक्टर डॉक्टर अंजलि राजौरिया ने गौतमेश्वर मंदिर के दर्शन कर सफाई व्यवस्था और विकास कार्यों का लिया जायजा। शिवरात्रि से पहले कार्य पूर्ण करवाने के दिए निर्देश। बालोतरा में विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्लेटिनम जुबली समारोह रन फॉर लीगल एड का हुआ आयोजन। जिला न्यायाधीश एम आर सुथार ने विधिक सेवा के महत्व को कराया अवगत। कल से लोकसभा चुनाव को लेकर सहायक रिटर्निंग अधिकारियों का प्रथम चरण का प्रशिक्षण होगा शुरू। 5 दिवसीय प्रशिक्षण और सर्टिफिकेशन कार्यक्रम में होंगी चुनावी तैयारियां। प्रदेश भर में लोकसभा चुनाव को लेकर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की प्रथम स्तरीय जांच संपन्न। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि निष्पक्ष स्वतंत्र और पारदर्शी चुनाव के लिए ईवीएम जांच जरूरी। जयपुर में यातायात के सुगम संचालन के लिए चलाया गया जागरूकता अभियान। सभी ई रिक्शा चालकों को अपने पास आईडी कार्ड और अनुज्ञा पत्र रखना होगा अनिवार्य। सड़क सुरक्षा प्रबंधन और सड़क दुर्घटना को लेकर जयपुर यातायात पुलिस का 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम जारी। लोगों को किया जा रहा है जागरूक। प्रतापगढ़ में चिकित्सा विभाग की टीम ने अभियान चलाकर स्कूल अस्पताल और डेयरी बूथ पर तंबाकू की बिक्री करने वाले दुकानदारों के खिलाफ की कार्रवाई। टोंक के 6 स्थानों पर बजरी स्टॉक अनियमितता पर कार्यवाही। 17 करोड़ से अधिक राशि राजकोष में जमा कराने का नोटिस किया गया जारी। और जयपुर ट्रांसपोर्ट नगर थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई। एजीटीएफ की सूचना पर बाल सुधार गृह में प्रतिबंधित वस्तुएं उपलब्ध कराने के आरोप में गार्ड और व्यापारी गिरफ्तार।